वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। सलमान खान के बर्थडे पर करण जौहर ने फैंस को एक तोहफा दिया है और 25 साल बाद एक बार फिर साथ काम करने की अनाउंसमेंट की है। करण जौहर ने सलमान खान की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि 25 साल बाद हमारे पास फिर से बताने के लिए कहानी होगी, आपको जन्मदिन मुबारक हो। बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक ने अपनी जुड़वा बच्चियों की पहली झलक शेयर की है। बच्चों की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने घर में हुए हवन की भी कुछ झलकियां दिखाई। बता दें कि 16 दिसंबर को रुबीना ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की डंकी ने दुनिया भर में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कलेक्शन की है। फिल्म ने 2023 के टॉप ग्रॉसर्स क्लब में भी अपनी एंट्री कर ली है। बॉबी देओल ने सलमान के बर्थडे पर उन्हें किस करते हुए एक तस्वीर शेयर की है, जिस पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। एक तस्वीर में बॉबी देओल सलमान खान को गाल पर किस कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में दोनों मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए बॉबी देओल ने लिखा, मामू आई लव यू। नेटफ्लिक्स की ब्रिजर्टन एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज है जो फैंस के बीच बहुत पसंद की जाने वाली पीरियड ड्रामा है। ब्रिजर्टन का तीसरा सीजन के प्रीमियर में अभी समय है, लेकिन मेकर्स ने इस क्रिसमस पर कैरेक्टर्स के बारे में बताते हुए कुछ फोटोज और एक पोस्टर जारी किया है, जिसने फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा है कि उन्हें जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। उन्होंने द आर्चीज को ना पसंद करने का कारण कनेक्टिविटी को बताया। उन्होंने कहा कि आर्चीज उनके बचपन का हिस्सा नहीं थी, इसलिए ये उन्हें इतनी पसंद नहीं आई। अनन्या पांडे, आदर्श गौरव और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म खो गए हम कहां ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 26 दिसंबर को रिलीज की गई है। अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म खो गए हम कहां एचडी क्वालिटी में ऑनलाइन लीक हो गई है। इस तरह फिल्म के रिलीज होने के कुछ समय बाद ही पायरेसी साइट्स पर आने से मेकर्स को चूना लगा है। मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 में भी नजर आ रही हैं। एक वायरल वीडियो में उन्हें अपनी ड्रेस की वजह से चलने में काफी मुश्किल हो रही है। अब मलाइका अपने इस आउटफिट की वजह से ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। महीने की शुरुआत में अजय देवगन, रोहित शेट्टी निर्देशित सिंघम अगेन के सेट पर घायल हो गए थे। अभिनेता की आंखों पर चोट लगी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने के लिए सलाह दी थी। सूत्रों के मुताबिक फिल्म के नए शेड्यूल की शूटिंग जनवरी के दूसरे हफ्ते से फिर से शुरू करने की तैयारी है और जनवरी के तीसरे हफ्ते के अंत तक अजय देवगन भी शूटिंग में शामिल हो जाएंगे। सोर्सेस से पता चला है कि जाह्नवी कपूर एक बड़े बजट की फिल्म में एक्टिंग करने वाली हैं। ये फिल्म बड़े पैमाने पर होगी और इसकी अनाउंसमेंट हाल ही के दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट कास्टिंग अनाउंसमेंट्स में से एक होगी। हालांकि अभी तक इस फिल्म की कोई भी डिटेल्स रिलीज नहीं हुई है। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।